Very good morning, children. Today we are going to recite an interesting poem, The Donkey. It's given in Unit 6 in your Marigold book. So let's recite this poem. It's a musical poem. So let's recite it. If I had a donkey and he wouldn't go, would I wallop him? No, 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 no. If I had a donkey and he wouldn't go, would I wallop him? No, 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 no. I would find a little hay and give him some corn. Then he would be the best donkey that ever was born. I would find a little hay and give him some corn. Then he would be the best donkey that ever was born. If I had a donkey and he wouldn't go, would I wallop him? No, 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 no. I would find a little hay and give him some corn. Then he would be the best donkey that ever was born. If I had a donkey and he wouldn't go, would I wallop him? No, 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 no. I would find a little hay and give him some corn. Then he would be the best donkey that ever was born. This is how we have to recite this poem. So children, this poem is about the donkey. Okay, in this poem, there is a small child. He's saying, he's imagining. Okay, if he had a donkey, मतलब वो कह रहा है छोटा बच्चा कि अगर मेरे पास donkey हो तो अभी उसके पास donkey नहीं, he's just imagining a situation where he has a donkey, ठीक है? तो कह रहा है, if I had a donkey, अगर मेरे पास donkey होता, and he wouldn't go, और अगर वो चल नहीं रहा होता, वो चलने से मना कर देता, ये would not नहीं है, wouldn't बोलते हैं इसको, ठीक है? Would not का short form होता है, wouldn't नहीं बोलते इसको, ठीक है? Wouldn't pronounce करते, ठीक है? ये contraction है would not का, wouldn't, and he wouldn't go. वो कह रहा है, अगर मेरे पास donkey होता और वो चलने से मना कर देता, जाता नहीं कहीं, तो क्या मैं उसे वेलोप करता? वेलोप करना का मतलब तो बीट करता, मारता उसको, किसी को स्ट्राइक करना, बीट करना, मारना, पीटना, उसको बोलते हैं वेलोप करना, क्या उसे मारता पीटता? नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. फिर रादर मैं क्या करता? आई वुड फाइंड अ लिटिल हे एंड गिव हिम सम कॉर्न. मैं ढूंढता थोड़ी सी ड्राई ग्रास, ठीक है? हे ढूंढता, हे का मतलब होता है जो सूखी घास होती है, उसे हे कहते हैं. एंड मैं उसको क्या देता खाने के लिए? उसको मैं कॉर्न देता, भुट्टा देता खाने के लिए. डोंकी का फूड होता है ना ये हे, हे और ग्रास, ठीक है बेटा? डोंकी का फूड होता है ना ये हे जो होती है आपकी, ड्राई ग्रास और कॉर्न, ये डोंकी खाता है, ठीक है? देन ही वुड बी द बेस्ट डोंकी दैट एवर वॉज बॉर्न. अगर मैं उसे खाने के लिए ड्राई ग्रास देता, यानी हे देता थोड़ी और थोड़ा सा कॉर्न देता, तो वो दुनिया का सबसे अच्छा डोंकी बन जाता जो अभी तक पैदा हुआ है. सबसे अच्छा मतलब वर्ल्ड का बेस्ट डोंकी बन जाता. अभी तक ऐसा कोई डोंकी पैदा नहीं होगा, इतना बेस्ट बन जाता वो, ठीक है? तो ये इमेजिन करें. तो बेसिकली ये पोएम हमें क्या टीच कर रही है बच्चों? दैट वी शुड बी सेंसिटिव टूवर्ड्स एनिमल्स, ठीक है? हमें एनिमल्स के लिए संवेदनशील रहना चाहिए, सेंसिटिव रहना चाहिए. हमें एनिमल्स का को हिट नहीं करना चाहिए, वेलोप नहीं करना चाहिए, बीट नहीं करना चाहिए, क्रुएलिटी नहीं दिखानी चाहिए एनिमल्स को. एनिमल्स को क्रुएलिटी दिखाना सही नहीं है, क्योंकि एनिमल्स बेजुबान है, दे कांट स्पीक, दे कांट एक्सप्रेस देम सेल्व्स. तो इट्स वेरी वेरी बैड टू ट्रीट देम बैडली. ओके, सो यू शुड ऑलवेज ट्रीट एनिमल्स विद लव एंड केयर. उनको प्यार से रखो, उनको अच्छे से रखो, तो वो आपकी सारी बात मानेंगे और बेस्ट रहेंगे आपके लिए, आपके जो पेट्स. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. सो वी हैव गॉट टू पोएम्स इन यूनिट 6. वन वॉज द डोंकी एंड अदर वन इज आई हैड अ लिटिल पोनी. सो इट्स ऑल्सो अ म्यूजिकल पोएम, सो लेट्स रिसाइट इट. I had a little pony, his name was Dapple Grey. I lent him to a lady to ride a mile away. Come on, sing along. I had a little pony, his name was Dapple Grey. I lent him to a lady to ride a mile away. She whipped him, she lashed him, she drove him through the mire. I wouldn't let my pony now for all the ladies hire. She whipped him, she lashed him, she drew him through the mire. I won't let my pony now for all the ladies hire. I had a little pony, his name was Dapple Grey. I lent him to a lady to ride a mile away. She whipped him, she lashed him, she drove him through the mire. I won't let my pony now for all the ladies hire. I had a little pony, his name was Dapple Grey. I lent him to a lady to ride a mile away. She whipped him, she lashed him, she drove him through the mire. I won't let my pony now for all the ladies hire. So now let me explain you this poem, children. In this poem,
there is a child. There's a girl. Okay, she's saying, I had a little pony. भाई मेरे पास एक छोटी पोनी थी. पोनी इज यंग वन ऑफ अ हॉर्स. ठीक है, हॉर्स के बच्चे को बोलते पोनी. वो कहती मेरे पास एक पोनी थी, उसका नाम था डैपल ग्रे. वो मेल पोनी था, ठीक है, उसका नाम था डैपल ग्रे. मेरे पास एक पोनी था, ठीक है, एक हॉर्स का यंग वन था, उसका नाम था डैपल ग्रे. आई लेंट हिम टू अ लेडी टू राइड अ माइल अवे. एक लेडी जो है मुझसे वो मांग कर ले गई, मैंने उसे लैंड कर दिया कुछ टाइम के लिए. ठीक है, उस तो उसको एक एक माइल कहीं दूर जाना था, तो मुझसे वो ले गई वो पोनी. ठीक है, थोड़ी देर के लिए. शी विप्ड हिम, शी लैश्ड हिम. बट उसने उसको क्या किया, उसको छड़ी से मारा, उसको बहुत मारा. ठीक है, बहुत मारा उसको पोनी को, क्योंकि पोनी जो है वो चल नहीं रहा होगा, तो उसको उस लेडी ने बहुत मारा. ठीक है, एंड शी ड्रोव हिम थ्रू द मायर. मायर क्या होता है बच्चों, जो स्वैम्पी लैंड होता है, जो कीचड़ वाला पानी होता है ना, बॉगी एरिया, जो मार्शी एरिया होता है, ठीक है, स्वैम्पी लैंड उसको बोलते हैं, जो कीचड़ होती है, वहाँ से उसको वो लेके गई. ठीक है, उसको वहाँ तक लेके गई. एंड आई वुड लेंड माई पोनी नाउ. ठीक है, और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपना जो पोनी है किसी को नहीं दूंगा. तो वो गर्ल कह रही है मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं अपना जो पोनी है वो किसी को नहीं दूंगी, किसी को ले जाने नहीं दूंगी. फॉर ऑल द लेडीज़ हायर, और ये स्पेशली इस लेडी को इसके कामों के लिए. ठीक है, ये हायर करके ले गई थी मुझसे कुछ टाइम के लिए उसको पोनी को, बट अब मैं नहीं दूंगी क्योंकि वो उसने मेरी पोनी को मारा इतना. ठीक है, और उसको स्वैम्पी लैंड में ले गई, कीचड़ में ले गई. तो मैंने डिसाइड किया है कि इस पोनी को अब मैं किसी को लैंड नहीं करूँगी. तो बेसिकली वो ये कह रही है ना कि हमें एनिमल्स को प्यार से ट्रीट करना है. लेडी ने उसको बहुत क्रुएलिटी से ट्रीट किया था, काइंडनेस से ट्रीट नहीं किया. लेडी ने क्रुएलिटी से ट्रीट किया ना उसको पोनी को, प्यार से नहीं ट्रीट किया. अगर वो नहीं चल रहा था तो उसे प्यार से कुछ खिला देती या उसे प्यार करती तो वो चल लेता. बट उसने उसको बहुत मारा, छड़ी से मारा, बहुत मारा उसको. ठीक है, तो वो पोनी बेचारा. ठीक है, इसलिए इस गर्ल ने डिसाइड किया कि कभी भी ये उसको लेडी को नहीं देगी दोबारा से अपनी पोनी, मना कर देगी अब वो पूछेगी तो. ओके चिल्ड्रन, वी हैव डन टू पोएम्स, द डोंकी एंड द And I had a little pony. Okay, so it's time to discuss the question answers. So first is reading is fun. Under this section we have first question. Another word for willow is, what is the another word for willow? Think about it. Okay, I'll tell. Another word for willow is thresh. ठीक है, thresh करना, किसी को बहुत मारना, कूटना, पीटना, उसको बोलते हैं thresh करना. Then would the child hit the donkey? क्या child जो है वो donkey को hit करता? No. Answer is no. The child would not hit the donkey. Beta, next question is, what would the child give the donkey? Child jo hai, bachcha jo hai, donkey ko kya deta? The child would give hay and corn to the donkey. Kya deta? Hay deta. Hay means dry grass. ठीक है, जो सूखी घास होती है वो देता, और corn देता. ठीक है, खाने के लिए. Then what is a pony? इसमें से आपने choose करना है. Pony क्या होता है? बेबी हॉर्स को बोलते हैं पोनी. तो बेबी हॉर्स कौन सा आपका? ये सेकेंड नंबर वाला. ठीक है, पिक्चर में. तो इसको आपने चूज करना है. ठीक है, ओके. तो आपने ये क्वेश्चंस करने हैं. ये आपने जो क्वेश्चंस हैं अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज आई कैन आस्क यू एनी टाइम. तो पोनी क्या हो गया आपका? बेबी हॉर्स. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What did the lady do to the pony? लेडी ने पोनी के साथ क्या किया था? She whipped and lashed him. ठीक है, ये आएगा इसका आंसर. She whipped and lashed him. Then what did the child decide to do? चाइल्ड ने क्या डिसाइड किया करने के लिए? To never lend the pony to the lady again. चाइल्ड ने डिसाइड किया कि कभी भी वो अपना पोनी जो है उस लेडी को नहीं देगा आगे से. ठीक है, ये डिसाइड किया था ना. तो ये बेटा आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं रीडिंग इज फन के अंडर. Now we have question answers under section let's talk. First question is, have you seen people beating animals? क्या आपने देखा है लोग animals को मारते हैं? आपने देखा है animals को मारते हुए लोगों को? What do you think of such people? आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, उन लोगों के बारे में? इसमें क्या आएगा आंसर? Yes, I have seen people beating animals. मैंने देखा है लोगों को animals को मारते हुए. ठीक है, और आप कैसे सोचते हैं उन लोगों के बारे में? तो हम क्या बोलेंगे? सच पीपल सो फार आई थिंक आर विदाउट इमोशंस. मुझे ऐसा लगता है कि वो लोगों के पास इमोशंस नहीं होते, जज्बात नहीं होते. ठीक है,
दे कॉन्ट फील द एनिमल्स पेन, क्योंकि उनमें इमोशंस नहीं होते, बिल्कुल दर्द नहीं फील कर सकते ना वो एनिमल का, कि एनिमल को भी दर्द होता होगा, इतना मारते हैं उसको बिना ये सोचे कि एनिमल को भी पेन होता होगा, दर्द होता होगा. तो ऐसे लोग जो होते हैं मेरे हिसाब से इमोशनलेस होते हैं, ठीक है, उनमें इमोशंस नहीं होते. फाइन, समझ आ गया सबको? डू यू एवर टीज एनिमल्स? डू यू थिंक दैट यू शुड बी काइंड टू देम? कभी आपने किसी एनिमल को टीज किया है, मतलब परेशान किया है? और आपको क्या लगता है हमें उनके साथ काइंड होना चाहिए एनिमल्स के साथ? तो आप क्या लिखोगे? नो, आई नेवर टीज एनिमल्स. क्योंकि अगर आप नहीं करते टीज, तो आप लिखेंगे कि नहीं, मैं कभी एनिमल्स को टीज नहीं करता. क्योंकि टीज करना गंदी बात होती है, एनिमल्स को परेशान करना गलत बात होती है ना, वो बेचारे बोल नहीं सकते और उनको पेन भी होता है, आप उनको ऐसे परेशान करते हो, ठीक है. तो आई थिंक दैट इट्स आई शुड बी वेरी काइंड टू देम, ठीक है. मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा काइंड रहूँ, ठीक है, क्योंकि एनिमल्स जो है वो भी गॉड की क्रिएशन है. Then tell your friends about some unusual pets that you have seen. आप अपने friends को बताओ कोई आपने unusual pet देखा हो तो, ठीक है. Some unusual pets that I have seen are bear, monkey, ठीक है, squirrel, rabbit, etc. तो अपने आप से आपने कोई जो unusual अलग से अजीब से pets देखे उनके बारे में बताना आप. Okay children, आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपने अलग से कोई pets देखे. अब हमें क्या करना है, इन words को हमें aloud pronounce करना है. तो आप ये करेंगे, higher, fire, मायर, ओके, देन हेयर, फेयर, मेयर, माइल, स्माइल, पाइल, देन पेल, स्नेल, ठीक है, इस तरह से मेल, पेल, स्नेल, इस तरह से आपने प्रोनाउंस करना है. एंड दीज आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स, क्योंकि इनमें राइम आ रही है, एक रिदम आ रही है. इनको क्या बोलते हैं? राइमिंग वर्ड्स. मैंने आपको बताया भी है पहले राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है. Then beta we have let's write a paragraph about your pet or an animal you love. ये आपने होमवर्क से करना था, ठीक है, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था ये, ठीक है, बट फिर भी एक मॉडल आंसर है आपके लिए. आई हैव अ पेट डॉग, वी कॉल इट टफी, ठीक है, मेरे पास एक पेट डॉग है, हम उसे टफी बोलते हैं. इट इज़ ब्लैक इन कलर, वो काले रंग का है. इट्स हेयर इज सॉफ्ट एंड ब्राइट, उसके जो बाल हैं वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत ब्राइट है, शाइनिंग है, ठीक है, और बहुत मुलायम है. आई लाइक, इट लाइक्स टू ईट बोन्स, और वो क्या खाना पसंद करता है? बोन्स, हड्डी खाना पसंद करता है. आई टेक गुड केयर ऑफ इट, मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ उसका, ये रखती हूँ. आई प्ले विद इट, मैं इसके साथ खेलती हूँ. माई टफी लव्स मी वेरी मच, और मेरा जो टफी मुझे बहुत प्यार करता है, ठीक है. तो इस तरह से आपने लिखना है अपने पेट एनिमल के बारे में. बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइमिंग वर्ड्स पर है. मैंने आपको बताया था राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो सिमिलर साउंड करते हैं, ठीक है, जैसे जिनकी रिदम सेम होती है, इफेक्ट सेम होता है, साउंड इफेक्ट सेम होता है, साउंड सेम होता है. जैसे मतलब कौन, जैसे मैंने बोला कॉर्न हॉर्न, ठीक है, जैसे मैंने बोला पेट कैट, पेट बेट, ठीक है, इस तरह से रैट कैट. तो ये क्या आपके राइमिंग वर्ड्स हैं. सिमिलरली यहाँ पे आपको बताना है कौन से बनेगा कॉर्न हॉर्न. नो से बनेगा नो सो, ठीक है, देन मायर से बनेगा हायर, मायर हायर, ठीक है, इस तरह से आपने राइमिंग वर्ड्स करने. और आपका स्पेशली एक होमवर्क और है कि आपने 5 राइमिंग वर्ड्स और करने, 5 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स मुझे और बताने, कहीं से भी हो, चाहे ज़रूरी नहीं है कि आपकी टेक्स्ट बुक से ही हो या आपके इस चैप्टर से हो, ठीक है. ये आप, ठीक है, तो आप वो जो है काम होमवर्क से करेंगे, राइमिंग वर्ड्स वाला अच्छे से करेंगे, ठीक है. जो समझ नहीं आएगा वो आप लोग मुझसे पूछेंगे. देन वी हैव अ क्रूअल बॉय, ठीक है, द क्रूअल बॉय, एक निर्दयी लड़का. क्रूअल कौन होता है? जो काइंड नहीं होता, काइंड को अपोजिट होता है क्रूअल, दयालु नहीं होता जो, ठीक है. द मंकी इज़ इन अ केज, अ बॉय लुक्स एट द मंकी, ही गिव्स इट अ स्वीट, ओके. एक मंकी जो है वो एक केज में है, द मंकी इज़ इन अ केज, एक पिंजरे में एक मंकी है. एक बॉय जो है उस मंकी को देखता है, उसको एक स्वीट देता है, स्वीट मने एक मिठाई देता है, ठीक है. द मनी ओपन्स द पेपर एंड देर इज़ अ स्टोन इन साइड, और क्या निकलता है उसके अंदर से? स्टोन निकलता है, ठीक है, एक पत्थर निकलता है स्वीट की जगह पर. स्वीट में उसके रैपर, उसका रैपर खोलता है मंकी, बट उसमें स्वीट नहीं निकलती, कुछ मीठा नहीं निकलता, उसमें क्या निकलता है? स्टोन निकलता है, पत्थर निकलता है. द पुअर मंकी इज सैड, और बेचारा मंकी जो है वो उदास हो जाता है. और ये लड़का कितना क्रूअल है ना, कितना ये निर्दयी है, कितना बदमाश है ना ये, कितना गलत बात किया इसने मंकी के साथ, उसको अपसेट कर दिया इसने, है ना. बेटा अब आपसे पूछ रहा है क्या ये सेंटेंसेस सही है या गलत है. द मंकी इज इन द फॉरेस्ट, मंकी फॉरेस्ट में है? नो, मंकी तो केज में है. द बॉय गिव्स द मंकी अ स्टोन, बॉय मंकी को स्टोन देता है, येस करेक्ट. द मंकी थैंक्स इट इज अ स्वीट, ठीक है, थिंक्स, सॉरी, द मंकी थिंक्स इट इज अ स्वीट, मंकी सोचता है कि वो स्वीट है, येस. मंकी लाइक स्वीट्स, येस. द मंकी इज सैड, येस, ठीक है. तो सिर्फ आपका
फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी सारे करेक्ट हैं।